राधावल्लभ श्री वंश राधावल्लभ श्रीहरिवृंदावनेशरी तवैवपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन् रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः

परम शीतलम श्रया परम सच्चिदानंद घन प्रेम आनंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्रीवृंदावन धाम श्रीवृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य श्री श्यामा श्यामजू समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी वृंदावन की समस्त रानी रजरानी रस रानी समस्त ब्रजवासी परिकर श्रीजी की अपार कृपा से हमें जो भगवत प्राप्ति का मार्ग मिला है बस इसी में सुदृढ़ हो जाना है जो बाहर से बहरा खूब प्रवीण होने पर भी गूंगा बहुत अच्छा दिखाई देने पर भी अंधा जैसा बर्ताव करता है वही इस प्रचंड माया के आकर्षण से बच सकता है सुनते हुए भी ना सुने देखते हुए भी ना देखे, बोलते हुए भी ना बोले क्योंकि जो हम देखते हैं सुनते हैं बोलते हैं उसका मनन होता है और उसी का प्रभाव पड़ता है पक्का इसलिए सुनना देखना और बोलना ये हमारी साधना पर बहुत प्रभाव डालते हैं महाप्रभु ने इसी को अनन्य करके कहा कि रसना कटो जो अनरटो और निरखे अन फुटो नयन श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन बोलना देखना और सुनना इन तीन पर शासन किया कि अगर रस प्राप्ति करनी है तो इन तीन को संभाल ले रसना कटो जो अनरटो मेरी जबान कट जाए जो और कुछ बोलू मेरे कान फूट जाएं जो और कुछ सुनूं मेरे नेत्र फूट जाएं जो और कुछ देखूं ऐसी अनन्यता हम व्यर्थ की बातें जब सुनते हैं व्यर्थ की बातें जब हम बोलते हैं व्यर्थ का दृश्य जब हम देखते हैं तो व्यर्थ का ही मनन होता है हमारा समय व्यर्थ हो जाता है जो समय है वो बहुत कीमती है एक श्वास की कीमत में पूरी आयु कमाए हुए धन के द्वारा हम दूसरी श्वास नहीं खरीद सकते इतनी कीमती श्वासें यदि हम प्रिया प्रीतम के चिंतन में लगाएं तो ही सार्थकता है अन्यथा व्यर्थ है अमूल्य श्वासों को अमूल्य वस्तु खरीदने में अमूल्य है प्रभु का नाम प्रभु का रूप प्रभु की लीला प्रभु का धाम अगर ये चिंतन हो रहा तो हमारा समय अव्यर्थ जा रहा है सार्थक हो रहा है नहीं तो व्यर्थ जाएगा निरर्थक हो जाएगा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज दिव्य वृंदावन की भूमि को देख रहे हैं अपार कौतुकमयी भूमि है कहने दिव्य ही कुत्र चिदिंद्र नीलमणि जामूनद कुचि वैदू्य क्वचन क्वेंद्रुमणिहारी क्वचि मुक्ता भी क्वचन प्रबाल क्वा क्वाचालूक क्वा विनिर्मिता विजयते वृंदाटवी यावनी वृंदावन की भूमि एक जैसी नहीं है कही एक कहीं एकदम श्याम कांति भूमि है कुत्र चिदिंद्र नीलमणि भी इंद्र नीलमणि जैसी दिव्य कांतिमयी कहीं भूमि है तो कहीं जाम्बू नदी कुत्रचित कहीं बड़ी ही आश्चर्यमयी स्वर्णिम भूमि है जाम्बू नद स्वर्ण को कहते हैं कहीं नीलमणि भूमि कहीं स्वर्णिम भूमि और वैदुर्य क्वचन क्वाचेंद्र मणि भीर निहार हीरि क्वचित कहीं मणि की भूमि कहीं एकदम श्वेत चंद्र मणि कहीं हीरों की भूमि कहीं मुक्ताओं की मोतियों की भूमि कहीं प्रवाल मूंगों की भूमि कहीं सुंदर सुंदर विविध रत्नों से खचित भूमि ऐसी श्री वृंदावन की दिव्य भूमि है और उसमें दिव्य लताएं केचित पीयूष सारोत्तम परिणत केचन क्षीर सारैर दिव्य सन्निर्मिता के प्यतुल मद कृतावशा नाम मनाघा केचित सेतोपला के प्यति हिमकर्का कल्प रूपा इति वृंदारण्य द्रुमेन्द्रा दधति बहुविधा राधिका कृष्ण तुष्टे भूमि तो बड़ी आश्चर्यमयी कहीं इंद्र नीलमणि कहीं जाम्बोनद कहीं मुक्ता कहीं प्रवाल मूंगा की कहीं हीरो की जटित भूमि तो ऐसे ही वृक्ष भी हैं श्री वृंदावन के श्रेष्ठ वृक्षगण श्री श्यामा श्याम के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं ऐसे अनेक रूप धारण किए हुए वृक्ष हैं कोई कोई अमृत बूंदे टपका रहे हैं जो प्रेमामृत का हृदय में बहुत जोर से प्रवाह प्रकाशित कर दे ऐसे वृक्षों से अमृतमय बूंदे टमक रहे ये कोई देवताओं के पीने वाला अमृत नहीं ये है ये प्रेमामृत है वृंदावन के वृक्षों से प्रेमामृत झर रहा है केचित पीयूष सारोत्तम अमृत का सार प्रेम मानो प्रेम वर्षा हो रही हो ऐसी लताओं से छोटी छोटी अमृतमयी सुगंधित बूने गिर रही तो कोई कोई क्षीर समुद्र जैसी बूंदे गिरा रहा है जैसे छीर दूध की समुद्र ऐसी बूंदे दूध की जैसी गिर रही तो कोई कोई ऐसी मत्तता प्रकट हो ऐसी बूंदे गिरा रहा है जल की मतलब कैसी शोभा भूमि कैसी और वृक्ष कैसे उनसे छोटी छोटी नन्नी नन्नी फुया कही अमृत की तो कहीं चीर समुद्र जैसे दुग्ध की कहीं सुंदर सुंदर सुगंधित पराग से भरे हुए रसमयी बूने गिर रही और कहीं कहीं कर्पूर की पराग की वर्षा हो रही वृक्षों से श्री प्रिया प्रीतम के मन को मोहित करने वाले ये वृक्ष कभी कभी देखते हैं कि प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं तो एकदम सीधे खड़े होते हैं और तत्काल वो प्रणाम करने के लिए भूमि पर लौट जाते हैं श्री राधा कृष्ण नरमोक्त अनुसरण परा विभ्रता के पिशाखा भू लगना शून भारा बहुशत परितो मंडपाकार रम्या जे ही देखा वृंदावन की लताओं ने कि श्यामा श्याम पधार रहे हैं तो फूलों से खिले हुए पूरे लता वृक्ष एकदम भूमि पर झुक कर ऐसे प्रणाम कर रहे हैं नरमोत्त तनुशरण पर विभ्रता की पिशाखा भूलगना सून भारा फूलों के भार से मंडित रंग बिरंगे फूलों से देखा प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं तो ऐसे भूमि पर लोट गए और कभी कभी तो देखा कि प्रिया प्रीतम रसमयी वार्ता करना चाहते हैं तो बहुसत परितो मंडपाकार रम्या हां। सैकड़ों वृक्ष एकत्रित हो गए और ऐसे मंडपाकार की वहां सूर्य की किरणें भी नहीं जा सकती प्रिया एकांत में वार्ता कर रहे हैं कहीं कहीं तो प्रिया प्रीतम यहां शयन करेंगे तो हस्ताग्राह्यम प्रशूनाद्यथ परिशिखर संधारयंती जैसे कोई अपने हाथ से सैया की रचना करे ऐसे पुष्प के सहित डाले ऐसे झंकृत हुई और फूल की गादी की गादी बिछ गई और प्रिया प्रीतम उसमें बैठकर खेलते हैं साखीन्द्रायत्र धन्या दिश मम शिवम शैव वृंदा टवी महाभाग्यशाली कोई ऐसी वृंदावन की शोभा को देख पाता है ये दिव्य वृंदावन है ऐसा श्री वृंदावन मेरा ऐसा विधान करे कि मेरे को ऐसी दृष्टि मिले कि मैं ऐसी भूमि को और ऐसी लताओं को देख पाऊं कोई केचिन के चिन्ह मध्यान्निका दप्यति बहल कोटिल मारतंड्राज दिव्य प्रभा मंडलत पिकल्पाग्निकोटे केचिद के चिद राकेन्दु कोट्य उज्ज्वल शिशिर लसत चंद्रिका चारु रुचि गुंजा भिरा मद्युति महामंजुला के पित्र वृंदावन में सूर्य प्रकाशित नहीं होता धाम में सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं है न तद भाषते सूर्य न शांको न पावका यद गिवर्तनते तद्धाम परम तो कोई कोई वृक्ष ऐसे हैं जो प्रचंड मारतंड भगवान सूर्य की रश्मियों की तरह तेज प्रकट कर रहे सी बात कह रहे केचिन मध्यान कादप्यति वहल रुचस्चंड मारतंड कोटि अगर एक करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो तो ऐसी ज्योति हो जैसी किसी किसी वृंदावन की वृक्ष की ज्योति है पूरा वृंदावन उसी से प्रकाशित हो रहा है ऐसे करोड़ों सूर्यों की जैसी कांति वृक्ष की है तो कोई कोई इतने दिव्य जाजुल्यमान है मानो कल्पाग्नि प्रगट हो गई हो ऐसे लता समूह है कि जैसे कल्प नाश करने के समय जब अग्नि प्रकट होती है तो ऐसा तेज प्रकट हो रहा किसी लता से पर वो जलनशील नहीं है वो शांत और सुखद है क्योंकि अति सुकुमार तत्व प्रिया प्रीतम इनके पास ही खेलते हैं बिहार करते हैं कोई कोई करोड़ों चंद्रमाओं जैसी कांति वाला चांदनी बिखेर रहा है ऐसा वृक्ष कोई कोई इतने पुष्प लदे कि एक पत्ता नहीं दिखाई दे रहा केवल पुष्प ही पुष्प से पूरा वृक्ष महान मनोहर चित्त का अपहरण करने वाले केचित विद्योतमाना द्वितर गणितो दीप्त विद्युता नाम कोई कोई ऐसा जैसे असंख्यों बिजलियां एक साथ चमक रही हो ऐसे वृक्ष चमक रहा है लता चमक रही है और कोई कोई दिव्य विस्फूर्ज दिव्य कोटि स्फटिक मणि महा स्वच्छ भाषोपी कोई कोई एकदम श्वेत कांति प्रकाशित करते हुए स्फटिक मणि जैसा कोई नवीन नवीन केचित बाल प्रवालाधिक ललित महाकंदली सुंदरांगा बड़ी ही सुंदर मूंगे की कांति पूरे वृक्ष में प्रगट हो रही है कहीं मोतियों की कांति प्रकट हो रही है कहीं तपाए हुए स्वर्ण केचिन निर्भांत्यन दूत कनक रुचो हीर हारत तिशोन्य कोई कोई बिल्कुल तप्त कांत चंद जैसी कांति प्रकट कर रहा है वृक्ष कोई हीरों से अधिक चमकीली कांति प्रकट कर रहा है केपी प्रोत्फुल्ल दिव्य स्थल कमल रुचहा केपी नीलोत्पलाभा केचित कीरानुकारी छवि निकरचिता केपी काश्मीर भाषा केचित भिन्ना जा नाभा मरकत मणिवत केचित दत्युज्वल आभा केचित चित सपटाल प्रोचिर रुचिर ने जवा पुष्प भाषा कोई कोई लता तो ऐसे जैसे स्थल में कमल खिलते हैं ऐसे पूरे वृक्ष लता में कमल खिले हुए हैं स्थल कमल की भांति कोई कोई नील कमल की कांति प्रकाशित करते हुए लता कोई शुभ्र वर्ण कांति कोई कुमकुम वर्ण की कांति कोई मरकत मणि की कांति कोई गुलाब की कांति कोई जपा कुसुम की कांति ऐसे दिव्य वृंदावन की अद्भुत अद्भुत कांति प्रकाशित करने वाले स्वान्नंद सच्चिदस घन वपुषो यत्र यखींद्र वृंदस आश्चर्यावरण भेदा अथ विविध बीचयो दुर्निपा आकाराण प्रकारा अपिपरम यत्र पुष्पा अम चमत्णाम सदा सैव वृंदाटवी जहां सच्चिदानंद घन सी प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे हैं कैसे आश्चर्य में वृक्ष हैं इनसे विविध कांति की तरंगे उठ रही हैं कोई कोई वृक्ष ऐसा है जिसमें एक एक रंग और कोई कोई ऐसा बहुरंग विविध कांति रंगों की एक ही वृक्ष में प्रकट हो रही कौतूहल परम चमत्कार आकृतियां उनमें बन रही है कई कई वृक्ष तो ऐसे हैं जिनमें रंग बिरंगी आकृतियां बन रही प्रिया प्रीतम के मनमोहक वृक्ष कोई कोई आश्चर्यजनक इतने सुंदर पुष्प विराजमान है कि धीश्वर का हृदय आकर्षित हो जाता है विचित्र पत्र पल्लव प्रसून गुच्छ महामरंद सिंधु निर्जरम विचित्र रोचि साचितम सुधार सात्म कई फलई स्मरामि कृष्ण कानने विचित्र साखी मंडलम विचित्र विचित्र पत्ते विचित्र विचित्र पुष्प के गुच्छे और भंवरे भी बड़े विचित्र हैं उनकी गुंजार भी बड़ी विचित्र है उनका पराग पुष्पों का बड़ा विचित्र है और बड़े विचित्र श्री प्रिया प्रीतम ऐसे विचित्र पुष्प और पल्लव और शाखाओं से युक्त वृक्षों के बीच में बिहरण कर रहे हैं अनंत हरिराधिका प्रणयफुल्लवल्ली द्रुमम् दधङ्गिरस बिह्वलैः खगमृगादिभिर्मण्डितम् तदद्भुतविलासवन् नवकुञ्जपुञ्जोदयम् स्मराम्यति महोज्वलन् वृन्दावनम् व्रंद कोई कोई लता तो इतनी सुकोमल सुगंधित और इतना आकर्षणकारी है कि प्रिया प्रीतम उसका आलिंगन करते हैं प्रफुल्लित होकर उसे हृदय से लगाते हैं कोई कोई लताएं इतनी प्रवीण हैं कि युगल किशोर के चरणों का स्पर्श करने के लिए झुककर फूलों के गुच्छे से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। कहीं कहीं तो पशु और पक्षी ये मंडलाकार एकत्रित होकर के प्रेम विवल होकर प्रिया प्रीतम की शोभा को देख रहे हैं मैं ऐसे दिव्य वृंदावन में भ्रमण करना चाहता हूं ऐसी मुझे योग्यता प्रदान करें श्री वृंदावनाधीश्वर वही कुंठे सकलोज्वल ति मधुरे प्रत्युज्वलम माधुरी पूर्ण चूर्णय भूत गुण निश्रेय साध्यान स्वर्ण ज्योतिरथोन्मद मरकत ज्योतिर्द्वयम तन महो बिभ्रं के नूतन वृंदावन जो शोभा बैकुंठ में भी किंचन मात्र नहीं है ऐसी दिव्य शोभा श्री वृंदावन की है सर्वोज्वल अति मधुर महामाधुरी से पूर्ण इस शोभा को जो देख ले तो मोक्ष का गई त्यागी बन जाए यहां तो कहे पूर्ण भूतेर निज गुण निश्रेय साध्यपी मोक्ष के भी गर्व को चूर्ण कर देने वाली स्थिति प्रकट हो जाती है अर्थात मोक्ष का भी तिरस्कार कर दे ऐसा प्रेम प्रकट होता है वृंदावन की लताएं वृंदावन की भूमि वृंदावन की बीथियों में बिहरण करने वाले प्रिया प्रीतम के रस का जब अनुभव होता है ये रस ना वैकुंठ में है ना ये शोभा वैकुंठ में है तो बोले मोक्ष का भी गर्व चूर्ण करने वाला अर्थात मोक्ष का भी तिरस्कार करने वाला हृदय हो जाता है जिसके हृदय में ये दिव्य वृंदावन प्रकाशित होता है प्रकृत्यंत गृत दुखा पर ब्रह्म ज्योति परिचिन महाविस्तृतम ततो दूरे शुद्ध स्मर मधुरो ज्वलद ज्योति पूर्णम परम ही वृंदावन वनम जितने भी दुख हैं वो सब प्रकृति में है और जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है जो वृंदावन के भरोसे हो जाता है जो वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है प्रकृति जन्य समस्त दुखों का नाश हो जाता है सच्ची मानिए ये दिव्य वृंदावन हमारे हृदय में इसीलिए नहीं प्रकाशित हो रहा कि हम प्रकृति की वस्तुओं को प्यार करते हैं हम प्रकृति के भोगों को चाहते हैं हम प्रकृति के प्रति महत्व रखते हैं इसीलिए परमात्मा का भी आकर्षण करने वाला ये दिव्य वृंदावन हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं हो रहा नहीं यहाँ तो थोड़ी भी साधना बहुत जल्दी प्रकाश करती है हमारे द्वारा त्रुटियां हो जाती हैं अपराध बन जाते हैं हमारा आकर्षण प्रकृति की तरफ है इसीलिए दुख का अनुभव होता है प्रकृत्यंतम गत्वा जड़ मनृत दुखात्म सकलम जिसकी वृत्ति प्रकृति की तरफ जा रही है जो प्रकृति को भोगना चाहता है सब प्रकृति ही है शरीर मन इंद्रिया सब प्रकृति है जो भी देख रहे हो सब प्रकृति है गो गोचर जहां लघु मनुजाई सो सब माया जानो भाई इसके भोगने की जब तक चाह है तब तक ऐसा दिव्य वृंदावन जो आप सुन रहे हृदय में प्रकाशित नहीं अगर यह प्रकाशित हो जाए तो कह रहे हैं मोक्ष के भी गर्व का तिरस्कार करने वाला सुख प्रकट होता है मोक्ष की भी चाह नहीं रह जाती पर यह प्रकृति जनित आकर्षण बहुत बड़ा है हम प्रभु के नाम में सुख नहीं ले पा रहे प्रभु के रूप की तरफ नहीं बढ़ पा रहे प्रभु की लीला के चिंतन में सुखानुभूति नहीं कर पा रहे बाहर प्रपंच फैलाओ इसीलिए शुरुआत की देखना सुनना और बोलना इस पर शासन हो जाए प्रकृति से संबंध रखने वाला परमात्मा के संबंध का अनुभव नहीं कर सकता और परमात्मा का संबंध यदि है तो प्रकृति का महत्व तो नहीं रह जाता है। बात समझ लीजिए जितना दुख है वो प्रकृति जनित हो जितना प्रपंच है वो सब प्रकृति जनित है जय सीत हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल व्याल को खायो यह जिय जान श्याम पद कमल सिर सिरनायो प्रिया प्रीतम की बात प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों की बात कहीं कोई दुख है नहीं दुख का स्वरूप है प्रकृति और इससे लगाव हटाना बड़ा मुश्किल है चाहे जिस पद पे बैठ जाओ लगाव नहीं हटता इस प्रकृति से लगाव नहीं हटता प्रकृति रुपया पैसा शरीर वस्त्र आभूषण नाना प्रकार की बातें जितना संसार में जो कुछ आप देख रहे हो इसको भूलना होगा तब प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती जो कुछ देख सुन रहे हो मैं अरु मोर तोर तय माया जही बसकी ने जीव निकाया गो गोचर चर जा लघु मनुजा ये सब भूलना है एकमात्र चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत प्रिया प्रीतम के सिवा कोई जगत में नहीं बस ये बात दिमाग में बैठा नहीं प्रकत्यंतम गत्वा जन मनतम दुखात्म सकलम ये सकल दुखमय है सकल दुखमय भगवान ने पूरी सृष्टि रच के एक मोहर लगा दी दुखालयम अशास्तुतम ये जो हमने रचा है इसमें दुख ही मिलेगा और ये नाशवान है और साइड से एक साकरी गली रख दी और कहा ये सुख सिंधु की तरफ जाती है प्रेम गली साकरी तामे दो न समाये वो जा रही सुख सिंधु की तरफ तो साकरी गली की तरफ कोई बिरला मुड़ पाता है बड़िया रोड बना हुआ दुख खाल की तरफ भागता चला जाता है जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माधव अश तुम्हारी यह माया हे माधव अश तुम्हारी यह माया करी उपाय पच मरी तरी नहीं जब लग न दाया करी उपाय पच मरी तरी नहीं जब लग करो न दाया माधव अस तुम्हारी माया। हे माधव बड़ी दुस्तर माया है कितना उपाय करके पच मरो पर जब तक तुम कृपा नहीं करोगे तब तक माया से जीव नहीं तर सकता असंभव है भगवत कृपा के बिना दुरंत माया से पार होना असंभव सुनिय हो। गुनीय समझिए, समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे बड़े आश्चर्य की बात सुनिए, गुनिय समझिए, समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे जे ही अनुभव बिन मोह जनित भव दारुण विपति सतावे माधव तुम्हारी हमाया सुनता है और विचारता भी है समझता भी है और दूसरों को उपदेश देता है पर उसी माया की चाह करता है बड़ा विचित्र खेल है सुनता है विचारता है समझता है और दूसरों को उपदेश करता है पर चाहत उसी माया की करता है इसलिए यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण वो आपकी मोहजनित इसी माया में पिसता है सुनिय समझाई और दशा हृदय नहीं आवे यही अनुभव बिन मोह जनित भव दारण विपत्ति सतावे भारी राग द्वेष लेना देना प्रपंच भरा ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै रस पावे तो कृत मृग जल रूप विषय कारण निशिवासर अर्धावे प्रभु ब्रह्मा बड़ा मधुर है शांत स्वरूप है यदि वो भगवदानंद का रस चखने को मिले तो ये विषय मृग तृष्णा भागे नहीं तो विषय मृग तृष्णा मृग तृष्णा दिखाई दे रहा शीतल जल है एक बूंद नहीं दिखाई दे रहा भोगो सुख मिलेगा एक बूंद सुख नहीं ये तब हटे जब ब्रह्मा मिले या भगवदानंद मिले बिना भगवदानंद के ये विषयानंद की चाट छूटने वाली नहीं ये विषय रूपी झूठे मृग जल में रात दिन भटकना होता है प्रभु जय के भवन विमल चिंतामन शोकत कांच बटोरे और सपने परबस परे जाग देखत के जाय हो रहे जिसके घर में निर्मल चिंतामणि विराजमान है वो कांच क्यों बटोरेगा बात समझो जिसको ये ज्ञान हो चुका है कि भगवान के सिवाय संसार में कुछ सत्य नहीं है फिर वो क्यों मांगेगा रुपया फिर क्यों भोगों की लालसा करेगा क्यों भगवान से चाहेगा मुझे माया दे दो झूठी बात क्यों मांगेगा क्यों संसार का वैभव क्यों नाम कीर्ति यश चाहेगा क्यों अपना प्रभाव दिखाना चाहेगा जब जान रहा है यह सर्वस्व झूठा है सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्मयु केवलम और यही चिंतामणि है गोस्वामी जी कह रहे जिसके घर में चिंतामणि है वो कांच क्यों बटोरेगा तो चिंता मणि क्या है पायो नाम चारु चिंता मणि उर करते ना खसई हो अब लो नसानी अब ना नसई हो आज तक समय व्यर्थ किया आप कांच बटोरने में विषय भोग कांच बटोरना है और नाम जब करना आप चिंतामणि है पायो नाम चार चिंतामणि तो जेहि के भवन विमल चिंतामणि शोकत काच बटोरे सपनों पर बस परे जाग देखत के जाय नहीं हो रहे जिसे भगवान के नाम की महिमा पता है और यह पता है कि यह सब झूठा है फिर वो भोगों को क्यों बटोरेगा फिर वो रुपए की मांग भगवान से क्यों करेगा फिर वो अपने यशकीर्ति की मांग क्यों करेगा इसका मतलब है कि सुनी गुनी समुझी समुझाई दशा हृदय नहीं आवे ये माधव अस तुम्हारी माया जैसे कोई सपने में देखा कि उसको अधीन कर लिया है पर जगा तो वो कोई विनय करेगा क्या लगा सब झूठा है ऐसे ही स्वप्न की तरह हमको काम ने क्रोध ने लोभ ने मोह ने मद ने मत्सर ने अधीन कर लिया लेकिन जब ज्ञान हुआ तो लगा ये कभी अधीन किए था और ना अभी अधीनता है और ना कभी अधीनता रहेगी ये हमने तो ब्रह्म में स्वीकार किया हुआ था उसको किसी से विनय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाएगा ज्ञान भगती साधन अनेक सब सत्य झूठ नाही तुलसीदास हरि कृपा मिटे भ्रम यह भरोस मन माही बहुत सुंदर जय हो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो कह रहे कि ज्ञान भक्ति वैराग्य बड़े साधन हैं इस माया भ्रम को मिटाने के लिए और सब सत्य साधन है मादर करते हैं पर हमें एक विश्वास हमें एक भरोसा है कि हे हरि आपकी कृपा के बिना ये माया भ्रम हटने वाला नहीं पक्की बात और भगवान भी स्वीकार करते हैं दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंत माधो अस तुम्हारी हे माया हे हरि आपकी ऐसी प्रबल माया है कि सुनते हुए समझते हुए समझाते हुए भी उसी की चाह उसी की बांग उसी का प्रभाव राग द्वेष लड़ाई झगड़ा ऊंचा नीचा छोटा बड़ा एक ही चाक में कुल्लड़ बना है एक ही चाक में सकोरा बना है एक ही चाक में मटकी बनी है अब मुझ ऐ मटकी की मैं बड़ी तो सोचो चाक और मिट्टी दूसरी कुछ बात नहीं पूरी सृष्टि जितनी बनी हुई है पूरी की पूरी की एक परमात्मा अपने आप से अपने आप में मनाए हुए है ना कोई छोटा ना कोई बड़ा ना कोई अच्छा ना कोई बुरा सच्ची मानो जिस दिन परमार्थ का ज्ञान हो गया उस दिन एक ही तत्व है दूसरा नहीं है पर समझ जब तक यही तो कह रहे बड़ी आश्चर्य की बात है कि अगर कहा जाए समझ नहीं है तो बोले समझाई दूसरे को समझा रहा है कह रहे समझ नहीं सुनी गुनी समझी समझाई पर दशा हृदय नहीं दशा में वही पत्नी वही पुत्र वही मित्र वही शत्रु वही अपना वही पराया यही तो माया है और किसी माया को ऐसा रूप धारण थोड़ी करती ये सब चराचर जगत उसी का खेल है माया का और जो मायापति है वो दिखाई नहीं दे रहा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा जो नहीं है वही दिखाई दे रहा है इसी का नाम माया है ज्ञान भगत साधन अनेक सब सत्य झूठ नाही तुलसीदास हरि कृपा मिटे भ्रम यह भरोस मन माही दिव्य भरोसा कई बार कहा कि भरोसे से भगवत प्राप्ति होती गोस्वामी जी कह रहे हैं मुझे दृढ़ भरोसा है कि नाथ आपकी कृपा कोर से ही इस माया से छूटना होगा नाथ जीव तव माया मोहा सो निस्तरी तुम्हारी छुहा वो आपके दुलार से ही मुक्त हो सकता है आप कृपा करो तो मुक्त हो जाए तो कैसे कृपा होती हरि की मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी हैं रघुराई जो मन वचन कर्म से चतुरता छोड़कर रात दिन भजन करता है भगवान कृपा करते और माया मल नष्ट हो जाता है सच्ची मानिए बिना भगवान की कृपा के बहुत बहुत ज्ञान बघारो बहुत उपदेश करो अंदर में वही माया का खेल चलता रहता है हृदय में कांच बटोरने की वृत्ति बनी रहती है चा, जो चारु चिंतामणि राधा नाम है चारु चिंतामणि हरिवंश नाम है चारु चिंतामणि राधा वल्लभ नाम है वह, वहाँ वहाँ स्थिति नहीं रहती वहाँ महत्व बुद्धि नहीं रहती नहीं तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण ना करे वही महाभागवत है वही भक्त है हमारी दशा कहाँ है हमारी दशा चंद रुपयों में चंद भोगों में चंद आकर्षण में चंद वाह वाह मान बड़ाई में हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं अपने स्वामी का विस्मरण कर देते हैं अभी बात नहीं बनी दशा हृदय नहीं आई हमारे हृदय में दशा तभी मानी जाएगी जो हम जानकारी दूसरों को देते हैं वो अपने जीवन में आचरण में होनी चाहिए जो वैराग्य का उपदेश दूसरों को देते वही वैराग्य हमारे आचरण में हो हमारे जीवन में हो तभी तो साधुता नहीं तो पाखंड ही तो कहा जाता है उसी को तो पाखंड कहा जाता है कि पाखंड कर रहा है वाणी से कुछ बोल रहा है हृदय में कुछ चल रहा है आचरण कुछ और है बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो भगवत विमुख कपट चतुराई सोपा खंडई जादो, बात कही जाए धर्म की और आचरण हो हमारा धर्म विमुक्त तो पाखंड ही तो है बात कही जाए वैराग्य की और आचरण हमारा वैराग्य से विमुख राग में है तो पाखंड ही तो है बात कही जाए उदारता की अंदर हमारे छा रहा है दूसरों से सुख भोगने की लालसा ये कहाँ है इसी को तो दम्भ कहते हैं इसी को पाखंड कहते हैं गोस्वामी जी कह रहे माधो अस माया सपने पर बस परे अगर ज्ञान हो गया तो जैसे स्वप्न में कोई मुझे दबाए हुए था तो जगने पर अब कोई भय नहीं और उससे विनय करने की जरूरत नहीं ऐसे ही जब हम जग गए परमात्म स्वरूप को समझ गए तो हमें किसी से किसी भी तरह का ना राग ना दैन्यता ना द्वेष ना आशा क्योंकि कोई है ही नहीं एकमात्र प्रभु के सिवा कोई है नहीं वो प्रभु यहां भी विराजमान है खत्म किया समझना है समझना है समझ गए तो फिर जाग गए तो सोना क्या और समझ गए तो रोना क्या समझ गए तो ये सब कुछ नहीं पूज्य पात सी उड़िया बाबा जी जब चले संन्यास लेकर तो विचार किया क्या होगा इससे दंड भंजन करके गंगा जी में फिर ब्रह्मबोध होना चाहिए बाहर से क्या हो? तीन रात तीन दिन तक प्रयाग में एकदम शरीर को जड़ पर मुझे ब्रह्म बोध जाए इतनी प्रबल मुमुक्षता जागृत हुई कि जीवन व्यर्थ लगने लगा तब जाकर के उनको भगवान नरनारायण ने दो श्लोक उपदेश किए बस वहीं से दिव्य साधना और ब्रह्म पदवी को प्राप्त महापुरुष जब हमारे अंदर व्याकुलता हो भगवत प्राप्ति की तब ये बाहरी संबंधों से व्याकुलता नहीं होती आंतरिक संबंध जब हमारा प्रभु से बाहरी चाहे जैसी परिस्थिति हो तब व्याकुलता प्रभु के लिए होती और प्रभु की व्याकुलता ही जीवन को सदगुणों से दैवी संपदा से भर देती है और विषयों की व्याकुलता ही समस्त सद्गुणों से रहित करके आसुरी संपदा से युक्त कर देती है बिल्कुल खुली बात समझो माया की चाहत ही हमारे सारे भागवतिक सदगुणों को नष्ट करके आसुरी प्रवृत्ति कर देती है और भगवान की चाहत प्रियालाल की चाहत ही हमारे अंदर दैवी संपदा दैवी सदगुण प्रकाशित कर देती है श्रीपाद कह रहे हैं ये प्रकृति ही समस्त दुखों का मूल है प्रकृत्यंतम गत्वा जड़ मनत दुखात्म सकलम जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है रसिकों के संग से प्रिया प्रीतम की उपासना करता है तो गत्वा जड़मनतम ये झूठा में संसार गत्वा अब उसको दुख नहीं दे सकता ये धोखा है धोखा खेतों में रखवाली करने के लिए धोखा लगाया जाता है वो टोपी ओपी लगा के कपड़ा पहना के तो पशुओं को धोखा हो जाता है कोई व्यक्ति खड़ा है और खड़ा कोई नहीं होता उस धोखे को धोखा जान ले तो खूब खाए पिए कोई वहां मारने पीटने वाला नहीं वो केवल कपड़ा पहना खड़ा किया गया ऐसे यहां धोखा है न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है न कोई अपना है न कोई पराया एक परमात्मा के सिवा कोई नहीं सब धोखा ये बनावटी माया का बनावटी रूप है अंदर केवल एक परमात्मा है और धोखे से डरो मत तो खूब माल ले जाओ नाम रूप लीला धाम ये माल है ये है कंचन नहीं तो कांच बटोरो मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गयी इसलिए सावधान दिव्य वृंदावन का ही हम आश्रय लिए हैं ये दिव्य ही है बस कृपा हो जाए लाडलीलाल की तो हमारे नेत्रों का ये त्रिगुणमयी पर्दा हटे तो वह जो वर्णन सुनते वही वर्णन देखने लगेंगे हम वही हम हृदय से रसास्वादन करने लगेंगे और होगा निश्चित होगा जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमारा विश्वास है कि हरि कृपा से ही माया जाएगी हमारा विश्वास है कि जिसने झूठे से भी वृंदावन का आश्रय ले लिया तो धाम कृपा करेगा एक दिन एक दिन कृपा होगी और दिव्य नेत्र खुलेंगे और सदा सदा के लिए वो मौन हो जाएगा कौन रस बाढ़ो जहां बोली बो ये ऐसा आनंद कि ना किसी से बोलीबो ना कोई व्यवहार बस अपनी कुंवर किशोरी को जीत निहार निहार चलते हैं श्रीमद भागवत महापुराण वर्णन चल रहा है भगवान श्री सुखदेव जी संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन कर रहे हैं पहले तो द्वीपों का वर्णन किया अब उन द्वीपों के मध्य में एक विशाल पर्वत है जिसका नाम लोकालोक पर्वत है यह पृथ्वी के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए विराजमान लोकालोक पर्वत सूर्य भगवान जैसे जैसे इस चक्कर लगाते हैं इस पर्वत का तो जिधर होते हैं उधर दिन होता है और पीछे रात होती है मेरु पर्वत से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है उसके बीच में शुद्धोदक समुद्र है सरबत का समुद्र पीछे सुनाया गया था घी का मदिरा का दूध का दही का ऐसे पर, समुद्र यहां शुद्धोदक जो अपने यहां है वो चार नमक का मेरु पर्वत से मानुषोत्तर पर्वत तक शुद्धोदक समुद्र बहुत ही पवित्र और मीठा जल सरबत की तरह उसके आगे जो भूमि है वो स्वर्णमयी भूमि है वहां कोई वस्तु गिरेगी तत्काल अंतर ध्यान हो जाएगी इसलिए वहां कोई मनुष्य नहीं जा सकता सिर्फ अंतर ध्यान शक्ति संपन्न सिद्ध या देवता जा सकते हैं यही मृत्यु लोक में ही है लोकालोक पर्वत उसके आगे की भूमि स्वर्णिम है सोने की है वहां कोई वस्तु गिरे तो तत्काल अंतर्ध्यान हो जाएगी वस्तु नहीं दिखाई देगी वहां कोई व्यक्ति नहीं जा सकता केवल अंतर्धान शक्ति संपन्न देवता जा सकते हैं या सिद्ध जा सकते हैं लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों का बीच है त्रिलोकी में यह सीमा स्थापित की गई है लोकालोक पर्वत की इतना ऊंचा और लंबा है कि इसका ऊपरी भाग लोक को स्पर्श करता है लोकालोक पर्वत का ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल मंडल की किरणें प्रकाशित होती हुई हैं, तो एक और जब प्रकाश होगा तो दूसरी ओर अंधकार सूर्य कभी अस्त नहीं होते भगवान सूर्य कभी अस्त नहीं होते प्रमाण लक्षण स्थिति के अनुसार यह हमने भूमंडल का वर्णन किया ये पचास करोड़ योजन का है भूमंडल जहां पृथ्वी है मिट्टी की जिसमें मनुष्य पशु पक्षी सब रहते हैं ये पचास करोड़ योजन एक योजन को मतलब चार कोष पचास करोड़ तो पांच को हा दो सौ करोड़ पचास करोड़ को मतलब दो सौ करोड़ कोष ये पूरी भूमि है जिसमें मनुष्य वास करते हैं साढ़े बारह करोड़ योजन का लोकालोक पर्वत है बीच में जो है उधर स्वर्णिम भूमि इधर भूमि ये उपजाऊ चार दिग्गज ऋषभ पुष्करचूड़ वामन अपराधित ये महान दिव्य गजराज चारों दिशाओं को रोके हुए विराजमान है दिग्गजों को लोकपाल लोगों के कल्याण के लिए विराजमान किए हुए ये दिग्गज सर्वांतरियामी परम पुरुष भगवान विश्वक्षेन इनको अपार सामर्थ्य दिए हुए योग माया से रचे हुए भगवान के भूमंडल का वर्णन हुआ सूर्य की स्थिति वैसे विज्ञान कहता है कि भूमि घूमती है लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि सूर्य चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है ब्रह्मांड गोलक वो 25 करोड़ योजन का है 25 करोड़ योजन का है 50 करोड़ भूमि योजन ये है उधर तो स्वर्णिम भूमि है लोकालोक पर्वत के वहां देवता या सिद्ध अंतर ध्यान शक्ति संपन्न जा सकते हैं और इस को प्रकाशित करते हैं इसलिए भगवान सूर्य का नाम एक मारतंड हुआ हिरण्य में ब्रह्मांड ये भगवान विराट से प्रकट हुआ इसलिए इसे हिरण्य गर्भ भी कहते हैं जितना हमने तुमको भूमंडल का विस्तार बताया उससे दुगुना अंतरिक्ष लोक है जैसे मटर या चना के एक भाग को जान ले तो दूसरे भाग की लंबाई पता चल जाती है जितना भूमंडल है पचास करोड़ योजन और उधर तो द्व्युलोक भी इतना ही है और द्व्युल और भूलोक के बीच में एक अंतरिक्ष लोक है ये दोनों का स्थान है मध्य भाग ग्रह नक्षत्र विराजमान है अंतरिक्ष में भूमंडल और अंतरिक्ष के बीच में ही ये ग्रह नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर द्युलोक है जहां किसी यंत्र का प्रवेश ही नहीं हो सकता है वहां तो आगे द्विलोक में फिर स्वर्ग आदि की तरफ यात्रा सब सिद्ध और देव पुरुष करते हैं अंतरिक्ष में कुछ सीमा तक ये यंत्र आदि जा सकते हैं भगवान सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायण इस गति से चलते हैं मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे समान स्थानों में जाकर कभी दिन को बड़ा करते कभी रात को बड़ा करते कभी दिन को छोटा करते कभी रात को छोटा करते हैं पंडित जन बताते हैं पंडित मारे ज्ञानी जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग नौ करोड़ इक्यावन लाख योजन है एक राउंड नौ करोड़ इक्यावन लाख योजन मेर पूर्व की तरफ जब भगवान सूर्य जाते हैं तो देवराज इंद्र की जो देवधानी अमरावती पुरी है उसको प्रकाशित करते हैं उसके आगे जब दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो यमराज की संयमिनी पुरी है फिर जब पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो वरुण जी की निमलोचनी और उत्तर की तरफ तो चंद्रमा की विभावरी इन पुरियों को प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य आगे बढ़ते हैं तो सूर्योदय सायंकाल अर्धरात्रि ये क्रम से होती रहती भगवान सूर्य कभी अस्त नहीं होते उनका निरंतर परिक्रमा चलती रहती भूमंडल की भगवान सूर्य जब मेरु को बाएं ओर रखकर के चलते हैं तो दिखाई देता है कि वो दाई और चलने पर चलते वो बाई ओर है जिस समय भगवान सूर्य का उदय जहां होता है ठीक उसी समय कहीं अस्त दिखाई देता है कहीं जहां भगवान सूर्य मध्यान के पसीना पसीना कर रहे हैं किसी को तो उसी समय आराम से आधी रात को कोई सो रहा होता है भूमंडल में देख लो यही की बात कह रहे कभी सूर्य अस्त नहीं होते कभी सूर्य उदय नहीं होता है वो तो निरंतर चल रहे हैं लोकालोक पर्वत के कारण वो अस्त और उदय का ऐसा लोक माने प्रकाशित माने अंधकार लोकालोक पर्वत उसी के कारण ऐसा अनुभव होता है जहां कहीं आधी रात होगी तो कहीं पसीना चुवा रहे होंगे दोपहर होगा कहीं प्रातः हो रहा होता है तो कहीं वो अस्त हो रहे होते हैं वो पहाड़ पर्वत के कारण सूर्य भगवान नास्त होते ना उदय होते हैं जिन लोगों को सूर्य भगवान मध्यान्ह में दिख रहे हैं उसी समय कहीं अंधकार ही रात्रि होती है सूर्य भगवान जब इंद्र की पुरी से अमराज की पुरी को चलते हैं तो पंद्रह घड़ी में सवा दो करोड़ साढ़े बारह लाख और पच्चीस हजार योजन इस रफ्तार से चलते हैं पंद्रह घड़ी में सवा दो करोड़ साढ़े बारह लाख पच्चीस हजार योजन यात्रा तय करते हैं बहुत रफ्तार की भगवान सूर्य की गति है इसी क्रम से वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार कर इंद्रपुरी में पहुंचते हैं इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ उदित और अस्त होते रहते हैं भगवान सूर्य का वेद मैरथ एक मुहूर्त में चौतीस लाख आठ सौ योजन की रफ्तार से चलता है एक मुहूर्त में बहुत छोटा सा मुहूर्त होता है चौतीस लाख आठ सौ योजन की रफ्तार से चलता है आज तक हमें लगता है कोई ऐसी गाड़ी नहीं बनी होगी कोई हेलीकॉप्टर या कोई भी वाहन नहीं बना होगा नहीं ऐसा नहीं बना होगा कि एक मुहूर्त में चौतीस लाख आठ सौ योजन कोई नहीं इस रफ्तार से सब पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य संबत्सर नाम का एक चक्र पहिया बारह मास रूपी अरे छह ऋतु रूपी नेमी तीन चौमासे रूपी नाभि और रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पे रखा हुआ है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पे और निरंतर भगवान सूर्य का रथ घूमता रहता है एक पहिया सुमेरु पर्वत पर एक मानसोत्तर पर्वत पर और बीच से एक यंत्र गया जो ध्रुवलोक से कनेक्शन है जैसे ऊपरी भाग को रोके तो ऐसे रथ से ऊपर ध्रुवलोक से कनेक्शन एक पहिया सुमेरु एक मानसोत्तर पर्वत और बीच की यात्रा चलती है जिसमें भगवान सूर्य बैठते हैं वो सिंहासन रथ का जानते हो कितना बड़ा है छत्तीस लाख ,00 योजन सूर्य भगवान को ऐसे थोड़ी कि हमारी तुम्हारी तरह वैसे बैठे हैं ये हाथ दो तो हाथ में बैठ गए छत्तीस लाख ,00 योजन रथ में बैठने का स्थान है भगवान सूर्य के रथ पूरा पूरा जो रथ है वो नौ लाख योजन चौड़ाई तो जिसमें बैठते छत्तीस लाख योजन और पूरा रथ ऐसे नौ लाख योजन का है जुआ जिसमें घोड़े तो वो छत्तीस लाख योजन का लंबा जुआ है तो घोड़े कौन है साक्षात गायत्री सात छंद जो गायत्री के मूर्तमान वहां अश्वरूप धारण करके विराजमान है और सारथी कौन है अरुण जी महाराज गरुण जी के बड़े भाई अरुण जी इनके कमर के नीचे का अंग तैयार नहीं हुआ था आगे प्रसंग में आएगा ये भगवान सूर्य की तरफ मुक्त करके बैठते हैं आगे की तरफ नहीं आगे की तरफ पीठ करके बैठते हैं भगवान सूर्य की तरफ मुख करके बैठते महाराज अरुण गरुण जी के बड़े भाई अरुण जी ये सारथी हैं भगवान सूर्य के गायत्री मूर्तिमान सात घोड़े हैं रफ्तार एक मुहूर्त में चौतीस लाख आठ सौ योजन भगवान सूर्य इस रथ पर विराजमान होकर भूमंडल को प्रकाशित करते हैं सूर्यदेव की तरफ ही मुंह करके अरुण देव उनके सारथी बैठते हैं विश्व में दूसरा कोई सारथी नहीं इनके सिवा कोई सारथी नहीं कि भगवान सूर्य के सामने बैठ जाए अरुण देव ही महाराज है माता की गलती के कारण नीचे के अंग तैयार नहीं हो पाए थे आगे प्रसंग आएगा तो कहू और साठ हजार ऋषि बाल खिले ये स्तुति करते हुए चलते हैं साठ हजार बाल खिल्ल ऋषि ये भगवान सूर्य के रथ में भगवान सूर्य की स्तुति करते हुए चलते हैं ऋषि गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष राक्षस देवता ये चौदह कोई नृत्य कर रहा है कोई गान कर रहा है कोई स्तुति कर रहा है कोई ऐसे चलते हैं भगवान सूर्य जैसे भगवान सूर्य चल रहे तो गंधर्व गान कर रहे अफसरा नृत्य कर रहे ऋषि स्तुति कर रहे ऐसे चलते भगवान सूर्य भगवान सूर्य भूमंडल में नौ करोड़ इक्यावन लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में प्रत्येक क्षण में दो दो हजार योजन की दूरी तय करते प्रत्येक क्षण में परीक्षित ने कहा महाराज आपने जो कहा कि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दायों रखकर चलते पर दिशा दिखाई देती है कि वो दक्षिण की ओर चल रहे समझ नहीं पाया आपका कहने का भाव सूर्य सुखदेव जी महाराज कह रहे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठ करके अगर चीटी देखे चीटी चाक में बैठी हुई और चाक घूम रही तो चीटी विभिन्न स्थानों में दिखाई देगी लेकिन बैठी एक ही जगह है विभिन्न स्थानों में घूमने के कारण दिखाई देगी इसी प्रकार नक्षत्र और राशि ये काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाया रखकर घूमने वाले सूर्य को ये स्थित दिखाई देते हैं ग्रह नक्षत्र तारे तो लगता है सूर्य दाई और चल रहे हैं पर सूर्य दाई और नहीं चल रहे सूर्य बाई और चल रहे हैं ग्रह नक्षत्र वहीं विराजमान है इसलिए ऐसा दिखाई देता है ये आदि पुरुष भगवान नारायण का स्वरूप ही है सूर्य भगवान साक्षात नारायण बोले कहा है भगवान तो देखो ना किसने सूर्य भगवान को प्रकट किया है कौन प्रकाश दे रहा है प्रत्यक्ष में भगवान नारायण है सूर्य भगवान ये वेद में विग्रह से बारह मासों को विभक्त करते हैं और छह ऋतुओं को यही भारत देश में अन्यत्र नहीं है छतुवे अन्यत्र नहीं है आप देखो कहीं कहीं एकदम शीतलता ही शीतलता मिलेगी गर्मी बरसात हेमंत ये शिशिर ये सब ऋतु कहीं तो एकदम और कहीं इतनी गर्मी क्यों पूछो मत वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इन्हीं भगवान सूर्य नारायण की उपासना करके परम पद को भी प्राप्त किया जाता है सूर्य भगवान संपूर्ण लोगों की आत्मा है इन्हीं से रात दिन का विभाग होता है उनका एक अव्य ऋतु कहलाता है आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है वो आधा जब तय कर लेते हैं तो उसे एक अयन कहते हैं दक्षिणायन और उत्तरायन से दो भाग इस प्रकार सूर्य की स्थिति से एक लाख योजन ऊपर चंद्रमा विराजमान है परमहंस श्री सुखदेव जी कह रहे और भगवान श्री कृष्ण व्यास देव जी त्रिकालज लिख रहे जो अभी आपने सुना वो भगवान सूर्य की गति अंतरिक्ष के ऊपर जो दिवलोक है उस दिवलोक के ऊपर सब पुरियों को प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य जो सुमेरु आदमी विराजमान अपने रथ पर वहां किसी की पहुंच तक किसी की नहीं है फिर कह रहे सूर्य से ऊपर एक लाख योजन चंद्रमा विराजमान है हमारा शास्त्र कह रहा है कि सूर्य से ऊपर एक लाख योजन चंद्रमा विराजमान है चंद्रमंडल चंद्रमा की चाल सूर्य से भी बढ़कर तेज है इसलिए वो सब नक्षत्रों के आगे रहता है सूर्य के एक वर्ष के मार्ग को चंद्रमा एक महीने में तय कर लेता है और इस एक महीने के मार्ग को सवा दो दिन में और एक पक्ष के मार्ग को एक ही दिन में तय कर लेता है ये कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है तीस तीस मुहूर्त में एक एक नक्षत्र को पार करता है ये में अमृत में होने के कारण समस्त जीवों की प्राण और जीवनी शक्ति को बढ़ाता है चंद्रमा चंद्रमा सोलह कलाओं से युक्त है ये मनोमय में अन्नमय में अमृतमय में पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है ये देवता पितर मनुष्य भूत पशु पक्षी शरीर वृक्ष आदि सबके प्राणों का पोषण करता है इसलिए सर्वमय देव चंद्रमा को कहा गया चंद्रमा से तीन लाख योजन ऊपर अभिजीत के अट्ठाईस नक्षत्र विराजमान हैं। इन्हें भगवान ने काल चक्र में नियुक्त किया है ये मेरु को ओर रखकर घूमते हैं और देखो चंद्रमा से तीन लाख ऊपर अभिजीत 28 नक्षत्र और नक्षत्रों से दो लाख योजन ऊपर शुक्र देवता विराजमान शुक्र नक्षत्र सूर्य की शीघ्र मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान ये कभी आगे कभी पीछे चलते हैं यह बहुत मंगलकारी ग्रह है शुक्र खूब वर्षा कराने वाला और बहुत मंगलकारी ग्रह शुक्र ग्रह यह सबके अनुकूल रहता है शुक्र की गति जैसी वैसे ही चंद्रमा के पुत्र बुद्ध की गति है शुक्र से दो लाख योजन ऊपर चंद्रमा का यह पुत्र बुद्ध विराजमान है यह भी मंगलकारी है किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब तो आंधी बादल और सूखे की भय की सूचना देता है बुद्ध से दो लाख योजन ऊपर मंगल ग्रह यदि ये वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को तीन तीन पक्ष में भोगता हुआ बारहों राशियों को पार करता है ये सबका अशुभ करने वाला अमंगल सूचक ग्रह है मंगल इसके मंगल ग्रह के दो लाख योजन ऊपर बृहस्पति जी विराजमान है ये वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं ये धर्म से चलने वाले ब्रह्म ऋषियों के सदानुकूल रहते हैं बृहस्पति गुरुदेव और बृहस्पति जी के ऊपर दो लाख योजन के ऊपर शनि भगवान विराजमान है तीस तीस महीने तक एक एक राशि को भोगते हैं ये सब राशियों को पार करने में तीस वर्ष लगाते हैं ये सबके लिए अशांतिकारक है अगर ये विपरीत हो जाए तो बहुत ही हानि पहुंचा दे शनि भगवान ओ है और सब है सबके विपरीत भगवान का भजन कर ले तो इनकी विपरीतता काम नहीं करेगी और अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो ये हैं जैसे मंगल है और शनि है मानो जेलर जो बुरा करेगा बहुत और भगवान की शरण में रहोगे तो सब मंगल करेंगे जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक हरिवंश महाप्रभु कहते और शनि भगवान से ग्यारह लाख योजन ऊपर सप्तषि विराजमान है ये लोक की परिक्रमा करते रहते हैं और सब पूरे विश्व का मंगल करने की भावना रखते हैं ऋषियों से तेरह लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक विराजमान है चरम सीमा है ऊंचाई की यह आकाश जो देख रहे हो ना ये अनंत है यह सीधा ऊपर लंबाई है <laughs> किसी की पहुंच नहीं किसी की पहुंच नहीं भगवान विष्णु का परम पद जो ध्रुव जी को मिला यह सप्त ऋषियों से त्यारह लाख योजन ऊपर है अगर सब जोड़ किए जाएं तो हो सुड़ जाएंगे कि ध्रुव जी कहां विराजमान है बहुत ऊंचाई पर सबसे उत्तान के पुत्र परम भक्त हां ध्रुव जी विराजमान है तो अग्नि देवता, इंद्र देवता प्रजापति कश्यप धर्म सप्त ऋषि सब, सब प्रदक्षिणा करते हुए प्रणाम करते रहते हैं ध्रुव जी को कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार से स्थित है जैसे किसी यंत्र के द्वारा बीच में किसी को रोका जाए ऐसे भगवान सूर्य के रथ का कनेक्शन है ध्रुवलोक से ऐसे ऊपर से पकड़े हुए और दो इधर बीच में पूरा राउंड मारते रहते हैं सदा जागते रहने वाले अव्यक्त भगवान काल के द्वारा ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्गण ये निरंतर घुमाए जाते हैं पर ध्रुवलोक आधार स्तंभ की तरह रहता कभी नहीं घूमता सब इनकी परिक्रमा करते हैं कोई भगवान की योग माया से युक्त इसे शिशुमार चक्र भी कहते हैं जो ध्रुव जी की परिक्रमा करते ध्रुव जी का लोक जो वर्णन है परीक्षित कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से दस हजार योजन नीचे राहु नक्षत्र घूमता है यह देवत्व को प्राप्त हो चुका है समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था तो इसने चोरी चोरी पी लिया था यह सिंगिका का पुत्र असुराधम इस पद के योग्य तो नहीं था पर इसने देवत्व प्राप्त कर लिया राहु ने क्योंकि भगवान दैत्यों की तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराते हुए पिलाते चले जा रहे थे तो इसने देखा कि मामला तो गड़बड़ है कलश तो पूरा उलटने वाला है तो सूर्य चंद्रमा के बीच में होकर तो भगवान यह तो पी लिया तो अभी गले के नीचे नहीं ले जा पाया था सुदर्शन चक्र से उड़ा दिया तो ऊपर का देवत्व तो को प्राप्त हो गया इसका वर्णन हम आगे करेंगे सूर्य का जो ये अत्यंत तपता हुआ मंडल है ये दस हजार योजन का है सूर्य नहीं सूर्य तो आप देखे जितने में बैठे थे मंडल तेज ये दस हजार योजन का दस हजार योजन का चंद्रमा का मंडल बारह हजार योजन का है और राहु का मंडल तेरह हजार योजन का है इसीलिए वो ऊपर छाता है तो सूर्य और चंद्र ढक जाते हैं अमृत पान कर किए हुए ये राहु ये देवताओं के ये समान हो चुका है क्योंकि अमृत पान कर चुका है चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठा था तो चंद्रमा और सूर्य ने ही पोल खोली भगवान ये तो दैत्य है तो तुरंत सुदर्शन चक्र तो उस दिन से वैर भाव रखकर अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये करता है और ये बड़ा है मंडल इसका बड़ा है तेरह हजार का तो इसलिए ढक लेता है तो सूर्य और चंद्रमा से वैर करने के कारण भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज भी नियुक्त कर रखा है सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए तो ये डरता रहता है केवल चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो अमावस्या पूर्णिमा को होता भगवत विधान से उतने ही समय के लिए नहीं हर समय डरता रहता निरंतर सुदर्शन चक्र घूमता रहता है और रक्षा करता रहता है सूर्य और चंद्रमा की राहु उद्युग्न नहीं कर पाता नहीं उद्युग्न कर दे सूर्य और चंद्रमा को इतना बलवान है ये सुदर्शन के तेज से उद्युग्न होकर कुछ मुहूर्त वो सूर्य चंद्र के समीप जाता डरकर भागाता उसी को ग्रहण कहते हैं राव से अब ये नीचे की बातें होती चली जा रही ऊपर की सुन राव से सूर्य से नीचे दस हजार योजन पर राव है और राव से दस हजार नीचे योजन पर, दस हजार योजन नीचे जितने सिद्ध हैं चारण हैं विद्याधर हैं इनके स्थान है यहां वायु की गति जा सकती है और बादल दिखाई दे सकते हैं ये अंतरिक्ष लोक है अंतरिक्ष में यक्ष राक्षस पिशात प्रेत और भूत इनका विहार स्थल है अंतरिक्ष लोक उससे नीचे अंतरिक्ष लोक से नीचे सौ योजन की बीच की दूरी है जहां से पृथ्वी है यक्ष राक्षस पिशाद प्रेत भूत ये अंतरिक्ष लोक में वास करते हैं अंतरिक्ष लोक से हजारों योजन ऊपर सिद्ध चारण विद्याधर उनसे दस हजार योजन ऊपर राहु और राव से दस हजार योजन ऊपर सूर्य मंडल सूर्य नहीं शूरी मंडल उसके नीचे सौ योजन का जो मार्ग है फिर ये पृथ्वी लोक में आता है सौ योजन चार सौ कोष और चारते बारह बारह सौ किलोमीटर जहां तक हंस गिद्ध बाज और गरुण ये उड़ सकते हैं वहां से पृथ्वी की सीमा लागू होती है उसके ऊपर अंतरिक्ष की सीमा रहती है अगर अंतरिक्ष की सीमा में पहुंच जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल और अंतरिक्ष के ऊपर वो बीच में हिलगा रहे एक स्थिति ऐसी है जो ना पृथ्वी का आकर्षण नीचे का खत्म हो जाता है ऊपर का आकर्षण ऊपर का बीच में जैसे त्रिशंकु हिलगे आज भी कहा जाता है त्रिशंकु त्रिशंकु की तरह वहां पहुंच जाने पर नीचे नहीं आया जा सकता उसके ऊपर भूत प्रेत पिशाच राक्षस ये अंतरिक्ष लोग हंस गिद्ध बाज और गरुण आदि प्रधान प्रधान पक्षी जहां से वहीं तक पृथ्वी की सीमा है पृथ्वी का विस्तार तो सुन ही चुके हैं अब पृथ्वी के नीचे लोक हैं इसके नीचे भी है अतल लोक वितल लोक सुतल लोक तलातल, महातल रसातल पाताल ये नीचे के हैं भूधरा समझो इनको चौदह भुवन का एक पूरा मकान समझो ब्रह्मांड जिसे सात ऊपर के और सात नीचे के अतल लोक वितल लोक सुतल लोक तलातल लोक महातल लोक रसातल लोक पाताल लोक। ये सात लोक नीचे हैं चौदह भुवन का एक भगवान और ऐसे अनंत ब्रह्मांड कैसे बोले एक रोम कूप में अनंत अनंतरा माते प्रचंड रोम रोम प्रति कोटि कोटी ब्रह्मांड ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति भेद कहे वो भगवान है उनकी लीला ऐसी है उनकी माया ऐसी कि कोई पार नहीं पा सकता ये एक, एक दस हजार योजन की दूरी पर स्थित है दस हजार योजन इनमें स्वर्ग से भी अधिक सुख है नीचे के लोगों में यहां पृथ्वी से दस हजार योजन पर अतल लोक का राज्य है दस हजार योजन भगवान भेजते हैं इन लोगों में इनमें स्वर्ग से भी अधिक सुख है इसमें स्वर्ग से भी अधिक अप्सराएं विषय भोग ऐश्वर्य आनंद संतान सुख धन संपत्ति वैभव उद्यान क्रीड़ा स्थली और मायामय मै दिव्यमय बड़े वैभव अरे सबसे इसे भौम नरक कहते हैं जिसमें आप रह रहे हैं समस्त भगवान की जितनी रचना है उतनी रचना में सबसे ज्यादा जो दुखद है वो यही है लोग, मृत्यु लोग, सबसे दुखद। जी लोक के प्राणी में दुर्गंध नहीं मिलेगी आपको दैत्य लोग भी देखो जाके कैसे बने हुए हैं देव लोग जब वर्णन आता है ना मानव जीवन तो केवल भगवान का भजन कर ले यही बात के लिए श्रेष्ठ है और किसी बात के लिए श्रेष्ठ नहीं कह रहे कि इतना सुख है नीचे के लोगों में कि देवराज इंद्र को भी वो सुख नहीं जो नीचे के लोगों में है वहां सुंदर सुंदर स्त्री पुत्र बंधु बांधव और सेवक और संपत्ति मतलब इंद्र की सामर्थ्य नहीं है कि उन सुखों को सोच सके जैसा इन लोगों में सुख है महाराज मैदानों की बनाई हुई अनेक पुरियां जगमगाती हैं और सुंदर सुंदर मणियों से जटित हर मकान है वहां मणियों से जटित है परकोटे नगर द्वार सभा भवन बड़े सुंदर आंगन और बड़ी सुंदर सुंदर हाँ स्त्रियां बड़े सुंदर पुत्र परिवार फर्श बड़ी सुंदर कबूतर तोता मैना इनकी किलोल देख ले तुम ये पुरियां इतनी सुंदर कि देवराज इंद्र कल्पना नहीं कर सकते इतना सुख है इनमें सोचो धाम में कितना सुख होगा भगवान के जहां बैठे हो इतने बगीचे सुंदर हैं कि देवलोक के बगीचे भी समानता नहीं कर सकते और ऐसे सुंदर सरोवर मणिजटित खूब सुंदर डालियां फूलों की खिली हुई तरह तरह की लताए तरह तरह की खुशबू मानो देव में भजन कर ले यही सुख है और कोई सुख ले कोई सुख देख सुख तो यहाँ ऐसी ऐसी रंग बिरंगी मछलियां जल में है जल एकदम निर्मल कमल कुमुद कल्हार, नील कमल लाल कमल सतपत्र कमल ये खिले हुए सरोवर सबके अलग 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 भवन अलग सरोवर जैसे जैसे यहाँ वो पानी का क्या कहते हैं जो मकानों के बगल में बने होते जहां स्विमिंग पूल अलग अलग और कमल सब खिले हुए हैं बड़े सुंदर इंद्रिया आश्चर्य में हो जाए ऐसे लोगों के सुख अच्छा वहां सूर्य का चंद्र का प्रवेश है नीचे के लोगों में ऊपर के लोगों में तो है वहां दिन रात का विभाग नहीं है दिन रात नहीं है कोई खटका नहीं वहां दिव्य मणिया ऐसी चमक रही कि हर समय प्रकाश रहता है, रात्रि नहीं और उस लोक के निवासियों का आहार क्या है दिव्य औषधियां दिव्य रस दिव्य पान और वहां का स्नान मात्र करने से शरीर निरोग ऐसा जल ऐसा जल है दिव्य वस्तुओं के सेवन से वहां किसी को मानसिक परेशानी नहीं डिप्रेशन नहीं होता किसी को मानसिक परेशानी नहीं, नहीं।, नहीं और शारीरिक रोग नहीं होता इसलिए कोई अस्पताल नहीं वहां कोई डॉक्टर नहीं हर बढ़िया है लेकिन इससे करोड़ों अनंत गुना सुख ब्रह्मलोक में और उससे अनंत गुना सुख श्रीधाम वृंदावन में जहां आ चुके हैं प्रिया प्रीतम के साथ ये क्या मछलियां क्या सब चिदानंद।, चिदानंद वहां किसी की झुरिया नहीं पड़ती वहां बाल किसी का नहीं पकते झुरिया नहीं पड़ती बाल नहीं पकते और कभी कोई बूढ़ा नहीं होता और देह की कांति मलिन नहीं होगी साफ चिखने एकदम शरीर में किसी के दुर्गंध नहीं आएगी पसीना नहीं आएगा कभी शरीर में कितना भी मेहनत करो थकावट नहीं शिथिलता नहीं आयु के साथ अवस्था नहीं बदलेगी हर समय जवान ये नीचे के लोगों की है बात सब सुंदर सब स्वस्थ सब जवान सब शक्ति संपन्न यहां पुण्य पुरुषों का प्रवेश होता है और यहां मृत्यु होती सिर्फ सुदर्शन चक्र से यहां भगवान के परम पावन सुदर्शन चक्र से ही सबकी मृत्यु होती है जब मृत्यु होगी तो सुदर्शन चक्र से ना बुढ़ापा ना थकावट ना झुर्निया ना कोई रोग ना कोई आनंद ही आनंद और मरना भी किससे सुदर्शन चक्र से आप ये समझ लियो भजन कर लियो तो ये लोक बढ़िया हो गया भजन कर ले तो चाहे नीचे जाना चाहो नीचे ऊपर जाना चाहो ऊपर भगवान के धाम जाना चाहो भगवान के धाम और किसी भी प्रकार मृत्यु नहीं हो सकती केवल सुदर्शन चक्र से मृत्यु होगी और सुदर्शन चक्र के आते ही गर्भ से लेकर के गर्भ से लेकर के बाहर जो भी गर्भस्राव भी हो जाता है मैदानों का पुत्र असुर यहां का राजा है पहला जो लोग है अतल लोग छियानबे प्रकार की माया के द्वारा अपनी प्रजा को सुख प्रदान करता रहता है और कोई ऐसा मायावी नहीं है जैसा मैदानों सृष्टि में मायावी है उसका पुत्र मैदानों का असुर बल छियानबे प्रकार की माया के और हमारे भगवान अनंत माया के अधिपति है हम उनके दास है उसने एक सुंदर स्त्री जाति प्रकट की है अपने लोक में जम्हाई लेकर उसका नाम स्व वैरण ऐसी कामनी है ही नहीं इस सृष्टि में जैसी उसने पैदा की है स्वयं प्रकट किया उसने स्वैरिण स्वरणी यह ऐसी कामनी है कोई ऐसा नहीं जो लुभायमान ना हो जाए अपने देश में रखता है अतल लोक में स्वयं प्रगट किया है फिर दूसरी प्रगट की है पुष्चली महान चंचल स्वभाव की तीसरी प्रगट की है कामिनी तीन प्रकार की स्त्रियों के द्वारा उसने अपने इस अतल लोक को शोभायमान किया है एक बहुत ही चंचल स्वभाव की कामाशक्त जैसे स्वभाव के होते हैं और एक महान कामिनी और एक स्वैर्णी जो स्वैर्णी है वो केवल अपने पति का ही आश्रय लिए रहती है और जो दो प्रकार की हैं वो पूरे नगर को पूरे अतल लोग को अपने अधीन रखती है ऐसी सुंदरियां और वहां एक दिव्य आसो है जिसका नाम हाटक है हाटक ये हाटक रस ऐसा है कि जो पुरुष पीले तो उसकी सामर्थ्य का पार्व नहीं है तो ये जो वहां की रहने वाली मैदानों के द्वारा प्रकट की हुई स्त्रियां यह पहले पुरुष को हाटक रस मिलाती है अब वो अपार बल से संपन्न हाव भाव चितवन प्रेम मुस्कान प्रेमालाप आदि के द्वारा पूरे के पूरे लोक को अपने अधीन रखती हैं। हाटक रस पी करके वहां मदांद रहे लोग उनको दस दा, दस हजार हाथियों का बल प्राप्त होता है दस हजार हाथियों का बल सब पर ये सब भोग लोक हैं, इनमें भजन भगवान का नहीं है इनमें साधना नहीं है फिर अतल लोक के नीचे जो लोग हैं उनकी चर्चा आगे होगी लेकिन मान मत होना ये सब स्वप्न है थोड़ा अच्छे स्वप्न है और वृंदावन धाम साकेत धाम कैलाश धाम वैकुंठ धाम ये सब चिदानंद है ये सत्य है और ये असत्य है। जब प्रलय होगी ना तो ये सब ऊपर नीचे सब सबसे नीचे वर्णन आएगा भगवान शंकर क्षण का अनंत फणधारी भगवान शेष जिस समय छोड़ते विषैली अग्नि तो नीचे से सब भस्म होते हुए ऊपर तक सब भस्म हो जाते हैं ब्रह्मलोक तक नष्ट हो जाता है इसलिए कहीं लुभायमान मत होना लुभायमान हो प्रिया प्रीतम उनके परम धाम वृंदावन सोचो ये मायाकृत है अनंत लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण को जो मोहित कर ले वो वृंदावन धाम है इसलिए इनसे मोहित मत होना है सुनकर वल्लभ लाल की